नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अजय देवगन तथा अमिताभ बच्चन की फिल्म रनवे 24 अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर, मतलब कि आज बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन इसके बारे में आ रहा है। वहीं दोस्तों टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपति 2 अपने तीसरे दिन कितना कलेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्या तीसरे दिन रनवे 34 हीरोपति 2 से ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं, टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपति 2 ने अपने पहले दिन करीब 6.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो एक्यूरेट आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, हालांकि दोस्तों अभी भी प्रोड्यूसर ने फिल्म के कोई आंकड़े जारी नहीं किए, क्योंकि दोस्तों आंकड़े ऐसे हैवी नहीं कि उन्हें जारी किया जाए। दोस्तों करीब पहले दिन हीरोपति 2 ने 6.50 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जो काफी बड़ा शॉकिंग कलेक्शन है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जिस प्रकार से एडवांस बुकिंग मिली थी उसको देखते हुए ये लग रहा था कि फिल्म कम से कम भी डबल डिजिट में तो जरूर कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों इसका पहले दिन का कलेक्शन रहा मात्र 6.50 करोड़ रुपए इंडिया नेट। वहीं दोस्तों रनवे 34 का पहले दिन का कलेक्शन के जो संशोधित आंकड़े है वो है करीब 3.40 करोड़ रुपीज इंडिया नेट। दोस्तों रनवे 34 के कलेक्शन से ज्यादा उम्मीदें पहले दिन थी भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को ज्यादा अच्छी एडवांस बुकिंग मिली नहीं थी, तो दोस्तों करीब इसका प्रेडिक्शन इतना ही था कि ये 5 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन पहले दिन कर पाएगी। तो दोस्तों ये तो पहले दिन का कलेक्शन, तो पहले दिन के कलेक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपति 2 ने बाजी मार ली थी। लेकिन दोस्तों बाद में होता क्या है कि बाद में फिल्म के रिव्यूज पे डिपेंड करता है, वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म अगले दिन कितना कलेक्शन करेगी। तो दोस्तों हीरोपति 2 को रिव्यूज अच्छे नहीं मिले, क्रिटिक्स ने फिल्म की धज्जियां उड़ा दी, फिल्म को बहुत ही बुरे रिव्यूज दिए, क्योंकि दोस्तों फिल्म अच्छी नहीं बनाई गई है, फिल्म में केवल एक्शन की भरमार है, इसके अलावा फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है, न फिल्म की कहानी में दम है, न फिल्म के स्क्रीन प्ले में दम है, न ही दोस्तों टाइगर श्रॉफ केवल एक्शन के अलावा अपनी एक्टिंग से प्रभावित करते हुए फिल्म में कहीं पर भी नजर आते हैं। वहीं दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपनी ओवर एक्टिंग की छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं और एक पागल विलेन की तरह हरकतें करते हुए नजर आते हैं, जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों इस प्रकार हीरोपति 2 को नेगेटिव रिव्यूज मिले, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसका असर ये हुआ कि दोस्तों दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में करीब 20% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। और दोस्तों दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा हिंदी नेट कलेक्शन, मतलब इंडिया नेट कलेक्शन रहा है करीब 5.50 करोड़ रुपए, मतलब 5 करोड़ 50 लाख के करीब इसका दूसरे दिन का कलेक्शन रहा। वहीं दोस्तों रनवे 34 को वर्ड ऑफ माउथ मिला, अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले, ज्यादातर क्रिटिक्स ने यह कहा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बेहतरीन है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है, अजय देवगन का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अमिताभ बच्चन तथा अजय देवगन की एक्टिंग भी काफी अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ ढीला डाला है, थोड़ा सुस्त है, कोर्ट रूम ड्रामा है, उसको लंबा खींचा गया है। अगर इस कमी को अजय देवगन थोड़ा सा एड्रेस कर लेते तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन बन सकती थी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि ये फिल्म क्लासेज के लिए ना कि मासेज के लिए, मल्टीप्लेक्सेज में ये फिल्म अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों फिल्म को वर्ल्ड ऑफ माउथ मिला और दोस्तों दूसरे दिन मतलब शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में करीब 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। और दोस्तों शनिवार के दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा 5.20 करोड़ रुपए इंडिया नेट। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया कि हीरोपति 2 का सेकंड डे का कलेक्शन रहा करीब 5.50 करोड़ रुपीज इंडिया नेट। दोस्तों दोनों के कलेक्शन में ज्यादा फर्क दूसरे दिन नहीं रह गया था। और दोस्तों अगर बात करें संडे की, संडे मतलब आज ये दोनों फिल्में कितना कमाल कर सकते हैं, कौन सी फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ मिल सकती है देखने को, कौन सी फिल्म के कलेक्शन में गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों हीरोपति 2 के कलेक्शन में आज भी काफी बड़ी गिरावट होने वाली है। दोस्तों संडे होने के बावजूद इस फिल्म के कलेक्शन में कोई सुधार नजर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के रिव्यूज इतने बुरे आ चुके हैं, तो दर्शकों को अब ये फिल्म देखने में कोई विशेष रुचि रह गई है ऐसा लगता नहीं है। तो दोस्तों आज का इसका करीब 3.5 करोड़ रुपए से 4.5 करोड़ रुपए के बीच का कलेक्शन बताया जा रहा है, जो शनिवार के कलेक्शन के मुकाबले काफी कम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हीरोपति 2 का कलेक्शन करीब 3 दिनों का मिलाकर के 16 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा, जो कि काफी कम है, क्योंकि दोस्तों उम्मीद तो ये की जा रही थी कि हीरोपति 2 अपने पहले दिन ही 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लेगी। दोस्तों ये काफी निराशाजनक और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होने की ओर अग्रसर हो रही है। वहीं दोस्तों रनवे 34 के आज के कलेक्शन के जो अनुमान आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं थिएटर ऑक्यूपेंसी के आधार पर तथा एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स के आधार पर, तो दोस्तों आज भी रनवे 34 के कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी होने वाली है और आज भी ये फिल्म कम से कम 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने
इंडिया नेट करने जा रही है, मतलब हो सकता है 6 करोड़ से ज्यादा भी आंकड़ा जा सकता है, लेकिन कम से कम 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही आज इंडिया नेट करने जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार रनवे 34 का भी 3 दिनों का कलेक्शन करीब 14.60 करोड़ रुपए करीब हो जाएगा, जो कि ठीक कहा जा सकता है क्योंकि पहले दिन के इसका कलेक्शन बहुत ही कम रहा है, तो धीरे धीरे ये फिल्म पिकअप कर रही है। तो दोस्तों आज तीसरे दिन कलेक्शन के मामले में रनवे 34 हीरोपंती 2 से आगे निकल गई है। जी दोस्तों तीसरे दिन के कलेक्शन के मामले में रनवे 34 ने हीरोपंती 2 को पछाड़ दिया है। और दोस्तों कल का जो कलेक्शन आएगा उसके बाद में 4 दिनों का जो कलेक्शन के मामले में रनवे 34 का कलेक्शन निश्चित रूप से 4 दिनों के हीरोपंती 2 के इंडियन नेट कलेक्शन से अधिक होगा, इसमें अब कोई शक नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं जब फाइनल फिगर आएगा तो मैं आपको कल के वीडियो में जानकारी दूंगा कि दोनों फिल्मों ने अपने तीसरे दिन कितना कलेक्शन किया है। दोस्तों ये सारे फिगर्स है वो ट्रेड के फिगर्स है, प्रोड्यूसर्स ने अभी तक फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े जारी नहीं किए, वो आंकड़े आएंगे तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लगभग यही कलेक्शन रहने वाला है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैं आपको इन दोनों फिल्मों के जो 3 दिनों के कुल कलेक्शन कितने हो गए उसके बारे में और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।